यार मैं मुझे अभी तक याद है कि हम लोग एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें टाइटल सॉन्ग था, गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें, नजर इस्लाम साहब थे उसके डायरेक्टर, तो मुझे मूवी का आप नाम बिल्कुल याद नहीं है। तो हम लोग टाइटल शूट करने के लिए उन्होंने गाना शूट कर रहे थे, ये जिधर आपका NC है ओके और वो मेन रोड पे। अब मेरी हालत ऐसी थी कि यहाँ से शर्ट फटी हुई थी और पता नहीं वो बोल भी कुछ ऐसे थे और मट्टी सब लगी हुई थी और मैं बीच में कार्टून बनी हुई थी लोगों में और लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे। बहुत हौसला चाहिए वैसे सचमुच। उस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि यार कैसे करूँगी, कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो कर लिया। आई नो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस तरह अपने कंफर्ट जोन से निकल के इतने लोगों के सामने कुछ करना। लेकिन बाज़ वो पता है लोग जब मिलते हैं ना, अब तो खैर हम लोग यूज्ड टू हो गए, पहले जब मिलते थे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होती थी और अब मिलते हैं ना तो वो एक ही जुमला कहते हैं कि हमने आपको छोटे होते हुए देखा था। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा ठीक है कि यार कितने छोटे होंगे कि आप मेरी उम्र के लग रहे हैं तो आप सही बात है। कहते नहीं आप छोटे। ये इंडस्ट्री से लोग कहते हैं या आउटसाइड इंडस्ट्री? हाँ इंडस्ट्री वाले के जो मेरे साथ लीड करते थे या हीरो आते थे अब वो आपा कहते हैं। सोचे आप कितना फर्क है। कभी बोला नहीं आपने कुछ? नहीं कुछ कहती हूँ, कहती चलो इनका दिल खुश होता है उन्हें दो कोई बात नहीं। अब आजकल कोई फैन रिएक्शन हुआ है किसी ड्रामे पे या किसी उस पे जो आप शेयर कर सकें, बाय गई हों लोगों ने? यार अभी मैंने रक्स बिस्मिल किया तो मैं अभी लाहौर गई हुई थी शादी में, ये जैन में गई थी, तो जब मैं एंटर हुई हूँ दुल्हन बेचारी बैठी हुई थी उसके पास कोई नहीं था, जब मैं एंटर हुई तो सब कह रहे थे मूसा की अम्मा आ गई, मूसा की अम्मा आ गई। मुझे पहले समझ नहीं आ रही मूसा की अम्मा कौन है, कोई मूसा की मुझे कह रहे इमरान अशरफ की अम्मा। अच्छा अच्छा तो खैर वो भी फिर दुल्हन ने बेचारी ने अपने मुंह से बोला कि यार मैं भी बैठी हूँ मेरे साथ भी पिक्चर उतरवा ले। मैंने कहा बट बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि रिकॉग्नाइज, और वो कैरेक्टर मुझे लगता है था भी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही मेरे उसके इमरान के सीन भी बहुत मजे के थे, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था वो आपका। तो अम्मा का क्या रिएक्शन होता था, कोई कभी हुआ कि अम्मा ने फाइनली आके बोला हो कि ये रोल मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा या तुम? अम्मा ने तो हमें कभी एक्टिंग में तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था ना। ओह अच्छा, अभी अभी भी जब रिसेंटली भी जब आप अम्मा की तो डेथ हो गई ना। अच्छा उसके बाद तो आपने किया था? ओके मैंने तो अम्मा की डेथ के बहुत बात की है, अम्मा की डेथ हुई है 2009 में। मैंने स्टार्ट किया 2005 या 6 में किया। तो बहुत अभी अगर हम रोल्स देखें सीनियर आर्टिस्ट के तो मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा काफ़ी मोनोटनी होती है, सिमिलर रोल्स होते हैं। आपको कभी फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब उसी तरह के रोल थोड़ा सा यू नो कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेड की जगह ब्लू लगा के, बट ओवरऑल चीज़ वही होती है, पेश किया जाता है, तो उसको आप कैसे डील करती हैं? या आप इस उम्मीद में आगे जा रही हैं कि कभी तो चीज़ें चेंज होंगी, सपोर्टिंग रोल्स या सीनियर्स के रोल्स को थोड़ा सा क्रिएटिवली बेहतर लिखा जाएगा, हमें वही अम्मा वही सास नहीं देखने को मिलेगी? मैं तो आप सोचो कि मैं तो अब उनसे जब फ़ोन आता है उनसे पूछती हूँ ना कि अच्छा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे डेज कितने हैं और पूछना ही क्लास क्लास कौन सी, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। बस मुझे पता होता है अगर मिडिल क्लास लोअर क्लास है तो रोना पिटना है, एक की बेटी भाग जाएगी या एक का कुछ हो जाएगा उसमें रोने पिटने, अपर क्लास होगी तो बस आपने कपड़े पहन के और बस दिखाना है और कुछ नहीं, यही हो रहा है। तो मतलब वो मतलब बहुत कम ऐसे करेक्टर होंगे मेरे ख्याल में जो आपको मिलते होंगे अच्छे। बट आप देख रही जैसे मूसा का की मम्मी का जो कैरेक्टर था बड़ा डिफरेंट था, लोगों ने पसंद भी किया सब, और उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी थी ना मूसा की जिंदगी में, शी वाज वन ऑफ द वंस जिन्होंने बड़ा एक्शन लिया कुछ किया, तो उसमें मतलब रेंज थी खेलने की एक्टिंग करने की। आपको लगता है कि चीज़ चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता या हम उम्मीद छोड़ दें? नहीं यार मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ गई है और अब स्टोरी पे थोड़ा सा ध्यान तो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हो गया है। अब जब से आपका ये नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आया है तो उसकी वजह से बहुत कंपटीशन आ गया है। अब मुझे लगता है कि लोग क्योंकि उसको ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं तो फर्क तो पड़ता है ना काम में।
तो अच्छा है ना, हमारे लिए भी अच्छा है कि हम थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हमें डिफरेंट रोल मिलेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, आपके पास मार्जिन होगा. अब जैसे रब बारिश में मार्जिन था, मूसा की माँ में मार्जिन था, सही बात है. तो और इवन थोड़ा सा हक में भी जो था, थोड़ा सा हक में भी था, लेकिन थोड़ा सा हक में स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा थी मुझे लगा है. हां, अदरवाइज कुछ नहीं था उसमें कि वो मुझे लगता है कि मुझे फील होता है कि एक तो उन्होंने इतना उसको प्रोलॉन्ग कर दिया, और फिर मुझे लगता था कि जैसे मैं फिलर के तौर पे उसके अंदर ना. अच्छा, आपको लगता था उसमें थोड़ा सा हक में, हालांकि आपकी तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी. हां, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे मैं उसके अंदर फिलर हूं. ओके, कुछ करने को नहीं था ना मेरे लिए. तो वो मुझे लगता था कि मैं कुछ फिलर टाइप की हूँ. अच्छा, बताएं रक्से बिस्मिल कैसे आया आपके पास, और क्या था जब स्क्रिप्ट आया तो हाँ क्यों बोली, क्या किया? मैंने वजाहत और शाजिया की मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे रोल है तो आपने करना है, और बड़ा अच्छा रोल है, और इसमें एक पीरनी का रोल है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मुझे भी लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो मुझे कर लेना चाहिए, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए. और फिर मैंने वो किया. उसमें पूरा जो गेटअप था वो आपका खुद आइडिया था? मेरा खुद आइडिया था, प्रोडक्शन. अच्छा, मेरा खुद आइडिया. इन्होंने मुझे कहा था कि हमें शॉल्स वगैरह सर पे दुपट्टे होंगे, मैंने कहा हाँ ठीक है. वो मैंने सब खुद किया था. ओके, तो क्योंकि बहुत क्लोजली देखा हुआ है पीर घराने में कि किस तरह की उनकी औरतें क्या कैसे दुपट्टे ओढ़ती हैं, कैसे उनकी शॉलें वगैरह सब कुछ. तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही गेटअप चाहिए था. और मज़े की बात, लोगों ने एक्सेप्ट ही किया ना, लोगों ने उसको पसंद किया कि ये आपने बिल्कुल ठीक पहना है सब कुछ. मुझे एक्चुअली रक्से बिस्मिल की बड़ी खूबसूरत बात ये लगती है कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात की, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये जो इस तरह के घराने होते हैं उनको ऑफेंड नहीं किया, उनकी बेइज्जती नहीं की, उनकी कुछ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे उनकी वो हो कि यार क्वेश्चन नहीं किया उनको ना, उनको उनकी वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो. और आप सब ने, आप जितने कैरेक्टर्स थे उन सब ने भी उस चीज़ को बड़ा जहन में रखा. तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक खूबसूरत बात थी रक्से बिस्मिल की. बस हर एक ने, चाहे वो छोटा रोल हो बड़ा रोल हो जिसका भी था, लेकिन उसने उसी तरीके से उसको कैरी किया. या, और बड़े मुझे लगता है हर रोल की अपनी एक पोजीशन थी उस ड्रामे में, उनको बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस ही मिली. इमरान अशरफ के साथ कैसा था काम करना? इमरान के साथ तो ये मेरे ख्याल में मेरा आई थिंक दूसरा सीरियल था. उससे पहले कहीं दीप चले था, हालांकि उसमें मेरे साथ वो काम नहीं थे आपके. दिल मोम का दिया उसमें था, मैंने किया था. इमरान अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्वीट है. बार वो चाहता है कि जैसे उसको लाइनें याद हो जाती हैं तो हमें भी ऐसी लाइनें याद. तो बड़ा प्रेशर होता होगा आपके ऊपर. वो तो राइटर है ना, वो तो बोल सकता है ना लंबी लंबी लाइनें सब कुछ, तो हमें जरा सोच के बोलना पड़ता है. तो वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा है. रही सुना है मैंने कि वो बड़ी पैशनेट है अपनी एक्टिंग. बहुत ज्यादा. एक सीन को तीन दफा जब तक खुश नहीं हो तो कोई सीन था आप लोगों का जो वो तो इतना स्पेशली जिसमें रो रहे होते हैं आपके साथ बैठ के ना. और मुझे इतने खूबसूरत सीन लगते थे. जो केमिस्ट्री थी ना माँ बेटे की वो इतनी अच्छी थी, जिस तरीके से वो बोलते थे फिर आप समझ लेती थी एज अ मदर उनकी बात. मुझे लगा बड़ी अच्छी बैठ गई थी आप दोनों. हम लोगों ने पहले जब रिहर्सल की थी ना तो मुझे इमरान ने कहा था कि मैं आपकी गोद में ना सर रखूंगा, तो मैंने कहा रख लो. तो तुसी परेशान तो नहीं होगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं कहा नहीं, मैनू नहीं बुरा लगेगा, तो रख ले. मैंने कहा तो मेरा पुत्र तो होता होगा शायद, किसी को बुरा लगता होगा. तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं. अच्छा, वो भी जब डायलॉग बोलता है ना तो वो खो जाता है ना, उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है, उसके दिमाग में कुछ और बैठा हुआ होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना. फिर वो हमसे भी यही समझता है कि हम भी वैसे ही करें, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इमरान को ना. इमरान बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा है. तो और वो इसीलिए बड़े पैशनेट होके काम भी करते हैं, एंड आई थिंक वो बड़ा कनेक्ट हो जाते हैं अपने कैरेक्टर से. बहुत ज़्यादा हो जाता है. अभी कर रहे हैं ना हम लोग, कर रहे हैं अभी, मैं भी नाम नहीं ले सकती उसका, तो बड़ा अच्छा उसका रोल. अच्छा, अभी आपका दूसरा प्रोजेक्ट भी है वो जियो वालों का है, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी इसका यही हाल है. ओके, तो फिर आप क्या करती हैं? आप पहले से बोलती थी इमरान मुझे टाइम चाहिए, मैं मेरे साथ जरा मैं पहले करके आ रही हूँ, फिर नहीं कर लेते हैं हम लोग. अच्छा, अभी बल्कि जब मैं उस दिन हम लोग लेट हो गए शूट के लिए, तो मैं तो 9 बजे के बाद बिल्कुल ऑफ हो जाती हूँ ना, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता कुछ क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई होती हूँ, तो 9 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ. तो अब वो सीन हमारे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं 11 बजे मजबूरी थी, वो एक सीक्वेंस कर रहे थे बहुत लंबा हो गया था उनका,
तो निदा ये छोटा सा ये करवा के जाना है। मैंने कहा देख लो, मैंने कहा यार मैं 9 बजे के बाद ख़त्म हो जाती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। कहते नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे। मैं और इमरान खान महमूद असलम था उसमें, तो उसमें 11 बजे इन्होंने स्टार्ट किया शॉर्ट सीन स्टार्ट किया, और उसमें मेरे डायलॉग थे क्योंकि उसमें वो अपने आई थिंक जेठ के बेटे को सुना रही है। तो वो मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। मैं एक दफ़ा बोला इमरान मेरे पता ओहो परेशान नहीं हो, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, तुझे फिर बोल लो मैं दोबारा इतों आ जाना। I can walk as many times as you want. मैंने कहा इसका तो शौक पूरा हो रहा है, मेरी क्या कम मैं इतनी बार डायलॉग नहीं दे सकती।